हाँ जी दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी का आई होप सब अच्छे होंगे स्वागत है आपका नई वीडियो में और जंगल की वीडियो हो गई है यहाँ पे ख़त्म अब हम जा रहे हैं फर्स्ट कैंप में और जैसा कि आप देख रहे हो कि सुबह का टाइम था यहाँ पे और नंबर के हिसाब से हम अपना लाइन में आगे खड़े थे किस्तियाँ यहाँ पे एक आधी किश्ती नहीं आती तीस चालीस किस्तियाँ इकट्ठी भर के इकट्ठी चलती अपना आगे पीछे आगे पीछे ताकि कोई रास्ते में प्रॉब्लम ना हो और हम जैसे कि यहाँ पे लाइन में लग गए थे वो लाइन में लगने का मतलब ये था कि सुबह जो और लोग आ रहे थे ना वो बीच में ना इन्वॉलमेंट करें है? और जिससे लड़ाई झगड़ा ना हो देखो यहाँ पे लोगों ने आग सिलगा रखी थी रात की जो था अपना खाना पीना जो भी ले रहे थे कच्चा पक्का अपना नूडल वगैरह वो अपना खा के यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था इस टाइम पे और यहाँ पे देखो बरसात धीरे धीरे शुरू हो गई थी और एक किश्ती में ये लेके जाते हैं सतारह अठारह बंदे ठीक है तो सतारह भी लेके जाते हैं पंद्रह भी लेके जाते हैं कोई ऐसी बात नहीं है सतारा मतलब अठारह तो मैक्सिमम है ज़्यादा से ज़्यादा अठारह और कम से कम तो चलो ये बारह से कम तो चौदह से कम तो लेके जाते ही नहीं है और यहाँ पे अपना हमारी किश्तियाँ भर भर के इन्होंने दूसरे किनारे पे लगाती थी और इन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था एक किस्त बारे ने बोला कि नो वीडियो नो वीडियो फिर भी मैंने अपना चलो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कहा वीडियो के बिना तो भाई काम चलेगा का, नहीं वीडियो तो बनानी पड़ेगी तो ये देखो यहाँ पे अपना ये भर रहे थे लोग और और लोग आ रहे थे क्योंकि तो जिन्हें नहीं पता था ना कि थोड़ी दूर जाके यहाँ पे स्टे है और यहाँ से जंगल ख़त्म है और किश्ती शुरू है लोग सुबह सुबह के हिसाब से अपना चल दिए थे और ये देखो ये किस्तियाँ आ रही हैं यहाँ पे और हमारी किश्तियाँ यहाँ से इकट्ठी हो के चल दी थी और तीन दो ढाई घंटे का रास्ता बताया था उन्होंने कि है यहाँ से बाकी मज़ा आया यहाँ से किश्ती में पहली बार छोटी किश्ती में पहली बार बैठे थे हम यहाँ पे और यहाँ से चलने के बाद हमारा आगे कैंप आना था फौजियों का हमें नहीं पता था क्या माहौल है वहाँ पे कैसा हिसाब कताब है क्या नहीं है फिर भी हम चल दिए थे ये पानी के छल्ले वगैरह किश्ती में आ रही थी और डब्बे के साथ पानी निकाल रहे थे हम बार बार तो फाइनली हम पहुंच गए थे फौजियों के पहले कैंप में और यहाँ पे किश्तियों में से उतार के काउंटिंग वगैरह के हिसाब से हमें लाइन में लगा दिया था यहाँ पे हमारे सबसे पहले हुए बैग चेक बैग चेक होने के बाद उन्होंने देखा कोई निकली चीज़ या कोई ऐसा हथियार वगैरह कोई चीज़ तो नहीं है जो वो निकाल रहे थे वो निकाल देते थे ठीक है कंच का सामान हो गया या कुछ हो गया बैटरी वगैरह सब हमारे यहाँ निकाल रहे थे वो उसके बाद फिर यहाँ इन्होंने पासपोर्ट लेके हमारी एंट्री की और पासपोर्ट में एंट्री होने के बाद और नाम नोम एंट्री करने के बाद पासपोर्ट नंबर और कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे लाइन में लग गए थे दाल चावल मिल रहे थे यहाँ पे कितने दिनों के बाद हमने दाल चावल खाए थे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे और यहाँ पे पाँच डॉलर के दाल चावल मिलते हैं पाँच डॉलर में यह है कि भी अगर आपको चिकन लेना है तो चिकन का लग पीस मिल जाएगा पाँच डॉलर में और जिसको नहीं लेना है वो ना भी ले कोई ऐसी बात नहीं वो चार डॉलर में मिल जाएगा उसके बाद हमारा नहाना धोना हो चुका था भाई नहा धो के हम आराम से सोच, सो सो गए थे सुबह हमें जल्दी उठना था ठीक है तो थके हुए थे पूरी तरह से तो सुबह हम यहाँ पे लाइन में लग गए थे चार बजे चार बजे नहीं हम चार चार साढ़े चार बजे हम चार साढ़े चार बजे लग गए थे लाइन में यहाँ पे सो के उठे ये हमारे से पहले भाई हमारे इंडियन जो हमें मिले थे जंगल में वो और किश्ती में हमारे साथ थे वो हमारे साथ लगे हुए थे उन्हीं की लाइन में हम लग गए नहीं लाइन बहुत पीछे तक थी इन्होंने बोला भी हमारे ग्रुप के हैं बंदे ये बंदा जो जिस सिर पर पट्टी बांधी हुई है ये साहिल है नारायणगढ़ से इस भाई को चोट लगी थी पत्थर पहाड़ से गिर गया था फिसल गया था बच ये है कि इनका शरीर के हिसाब से इन्होंने कवर कर लिया अपना बचाव कर लिया सहन कर ली चोट और फाइनली यहाँ तक पहुँच गए हैं इनके ग्रुप का एक बंदा था ठीक है जो कि पीछे रह चुका था और हमें बाद में पता लगा उसका कि उसका कोई अता पता नहीं है और वो नहीं रहा ठीक है तो बहुत बुरा हुआ भाई ये तो मतलब जंगल में पनामा जंगल के तो आप आप लोग गाने वगैरह सुनते ही हो ठीक है कि जिंदगी कितने बंदों की खा गया वो पंजाब पंजाब के लोगों की तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए थे और एक काला कह रहा था कि वीडियो मत बना भाई मेरी मैंने कहा कोई बात नहीं काट दूंगा तेरा वीडियो मिल लेके मुझे करना भी क्या है भाई ठीक है तो फाइनली हम अपना थोड़ा थोड़ा आगे सरक रहे थे धीरे 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 वो जो किश्ती के हिसाब से दो दो तीन तीन किश्तियों के हिसाब से चस्प चस बंदे करके निकाल रहे थे आगे तो यहाँ के बाद फिर हम अपना निकलते रहे निकलते रहे जहाँ पे हमारा सुबह बैग चेक हुए थे ना जैसे कल बैग वगैरह चेक हुए थे और पासपोर्ट की एंट्री हुई थी वहाँ तक हम फाइनल पहुँच चुके थे उसके बाद फिर अपना आप देख सकते हो कि हम किश्धा किश्श् में बैठे वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फ़ौजी वगैरह का थोड़ा बहुत मुझे यह था कि अभी कोई प्रॉब्लम ना कर दे क्योंकि यहाँ पर फ़ौजी सख्त है और सही भी है भाई सख्ताई जरूरी भी है फौजियों की उसके बाद फिर हम यहाँ पे बैठ गए थे यहाँ पे पच्ची पच्ची डॉलर की किश्ती होती है सरकारी बोलते हैं इसे है तो यही प्राइवेट ही जो बोलते हैं ना कि सरकारी किस्ती होगी सरकारी किश्ती का मतलब ये है कि भाई भी फौजी खुद यहाँ पे बिठाते हैं अकाउंटिंग वगैरह करके एंट्री करके ठीक है यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी होए ना मिलिट्री एरिया में है हम और यहाँ पे हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी होएगी तो इनकी ज़िम्मेवारी है ठीक है तो हमें आगे किश्ती में जब जा रहे थे हमें टाइम ज़्यादा लग गया था टाइम ज़्यादा इसलिए लग गया था क्योंकि आ, क्या कहते हैं उसे कि वो हमारा किश्ती वाला बड़ी धीरे धीरे चल रहा था और किश्ती हो ना तो वो उसे समझा पा रहा था आगे जो हम बंदा था जो में बैठा था कि कहाँ से लेके जानी कहाँ से नहीं क्योंकि कहीं पर पत्थर है कहीं पर गहराई है कहीं पर ऊँचाई है तो किश्ती फंस गई थी पानी में पानी में फंस के फिर वही बात है नीचे उतर के धक्का मार के निकाल ली और फिर दोबारा अपना सही करा और हमें यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह भी देखने को मिले और ये किस्ती वाला बोल रहा था कि नीचे पानी के नीचे ना बहुत बड़े मगरमच्छ हैं ये तो बच्चे हैं उनके इनके माँ बाप नीचे ही रहते हैं पानी में वो नहीं निकलते ठीक है तो अगर हमारी किश्ती बाई चांस पलट जाए तो वो एकदम से झपट कर हमें खा सकते हैं खतरा है वो पता नहीं डरा रहा था पता नहीं क्या कह रहा था क्या नहीं कह रहा था फाइनली हम तीसरे कैंप में पहुंच चुके थे ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम बस की लाइन में लगे हुए थे मैं आपकी पीछे की स्टोरी सुनाता हूं इसकी तो हम जैसे ही यहां पे आए यहां पे भी हमारे बैग चेक हुए और हम पासपोर्ट की लाइन में लग गए थे एंट्री वगैरह के लिए जैसे फिंगर फुंगर का बताया जाता था हमें यहाँ हो पर होएंगे पर यहाँ पर कोई हमारा फिंगर नहीं हुआ उन्होंने बोला कि इंडियन नो फिंगर नो कोई दिक्कत परेशानी आप जा सकते हो ऐसे ही डायरेक्ट आपके पीछे हो चु हो चुके हैं फिंगर वगैरह तो हम यहाँ पर लाइन में लग गए थे भाई ठीक है तो यहाँ पे लाइन में लगने का मतलब यह था कि बस की लाइन थी और बस आ... एक एक दिन बाद जाती है जहाँ तक जाती है ना तो एक दिन बाद जाती है तो हमारा ये काम आसान इसलिए हो गया था कि उन्होंने हमारी एंट्री नहीं की और उन्होंने बोला कि भाई आप लोग जा सकते हो बस में आप टिकट लेके जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लाइन में लग गए थे फाइनली हमारा नंबर आ चुका था और हम सोच रहे थे एक दिन ख़राब ना हो तो हमारा नंबर आ चुका था यहाँ पर तो ये है रात का सफ़र दस बारह घंटे का सफ़र था हमारा रात का रात को मेरा फ़ोन बंद हो गया था पीछे भी नहीं मैं वीडियो बना पाया था इसीलिए इसी वजह से तो यहाँ पर तीसरे कैंप में हम पहुँच चुके थे तीसरे कैंप कैंप में भी हमारा कुछ नहीं था इनके पास लिस्ट थी बस में चढ़ाए हम लिस्ट के नाम देख के थे एंट्री करके कंप्यूटर में और जो उतारे हैं वो भी इन्होंने एंट्री करके ही उतारे हैं एक एक का नाम और पासपोर्ट देख चेक करके इन्होंने उतार दिया उसके बाद हमें रिलीज़ कर दिया था इन्होंने यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे बस से उतरे तीसरा कैंप हमारा फाइनल था पनामा सिटी में तो हम एंटर कर ही चुके थे तीसरे कैंप के बाद तो सारा रास्ता हमारा रात का था और यहाँ पे बस रुकी लास्ट में हमारी बस थी जो हमारे आ, हमारे से आगे दो तीन बसें थी इंडियन हमारे दोस्तों के साथ जो हमारे साथ जंगल में भी मैं जैसे बता रहा हूँ आपको मिले हैं तो उन सब के साथ हम अपना आए थे हमारी सबसे लास्ट में आई थी बस क्योंकि धीरे धीरे चल रही थी और सबसे खस्ता बस थी हमारी ये तो ये भी अपना एक गाड़ी फौजियों की आगे होती है और हमारे साथ साथ चलती है वो जुम्मेवारी सारी की सारी इन फौजियों की होती है हमें यहाँ तक पहुँचाने की तो उसके बाद हमने अपने यहाँ पे बस ले ली थी दो दो, दो डॉलर की जो कि हमें बस स्टैंड पे लेके जाती है तो दो, दो डॉलर की हमारे यहाँ पे एक मिनी बस हुई और यहाँ पे हम मिनी बस में बैठ के बस स्टैंड के लिए चल दिए थे हमने अपने एजेंट और हमने डोंकर को पूछा कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं उन्होंने बोला भाई कोस्टा रिका हमें जाना है कोस्टा रिका और पनामा के बॉर्डर पे तो आपको बड़े बस स्टैंड से बस मिलेगी तो हम बड़े बस स्टैंड के लिए यहाँ से निकल चुके थे और बड़े बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद हमने पता किया कि बस कौन सी बस जाएगी वहाँ पे कौन सी नहीं तो फाइनली हम उस बस में भी बैठ चुके थे बस स्टैंड पे हमें टाइम ज़्यादा लग गया था यहाँ पे ठीक है और हमारी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी क्योंकि बस में भी हमसे सोया नहीं गया और खाना पीना भी ऐसा ही था और चार पाँच दिन से हम जंगल में से निकलने के बाद से लेके ऐसा हो रहा था कि जब तो चल रहे थे जंगल में तब तो कोई पर दिक्कत परेशानी नहीं थी चल रहे थे और जब एकदम से आराम मिला ना तो एकदम से हमें पकड़ लिया ठीक है तबीयत वगैरह किसी की ख़राब हुई थोड़ी बहुत चलने फिरने में दिक्कत हुई क्योंकि आराम मिल गया अगर हम चलते रहते शरीर गर्म रहता तो बढ़िया था कोई ऐसी बात नहीं थी तो ये रहा हमारा यहाँ तक का सफ़र जंगल का जंगल से कंप्लीट होने के बाद और हम चल दिए कोस्ट्रिका की तरफ और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो और मेहनत जारी है भाई और मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा बहुत साथ दे रहे हो यूट्यूब पे बहुत प्यार दे रहे हो और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और जो मेरे भाई यूट्यूब पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप लोग कमेंट कर रहे हो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है कमेंट का रिप्लाई करने में भी आप लोगों के कमेंट पढ़ने में भी ठीक है और आप बार बार एजेंट के बारे में पूछ रहे हो भाई एजेंट तो आप अपने लोकल आस ही देखो ठीक है अपने आस का लोकल जो एजेंट होगा वो आपको सही गाइड करेगा ठीक है ना तो अगर मैं कोई एजेंट बताऊंगा और उसने फ्रॉड वगैरह कर लिया तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है उस चीज़ में ठीक है उसमें आप फिर मुझे बोलोगे कि भैया तो ऐसे कर गया ऐसे कर गया या तुम लोगों का साथ होगा कोई बीच में तुम दोनों का इंटरफेयर होगा कुछ भी होगा तो उसमें थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है भाई ठीक है बाकी कोई बात नहीं आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर रहे हैं मैं आप लोगों का रिप्लाई कर रहा हूँ और फाइनली हम पहुँच गए थे पनामा और कोश्टरिका के बॉर्डर पर यह वीडियो आप देख सकते हो ये कोश्ठारिका से इधर की है जो दूसरी साइड पनामा में हम अगर जैसे यहाँ से जाएंगे ना जैसे पनामा लिखा हुआ है तो हम ये साइड के नीचे से ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं ना देख रहे हो आप जहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे एंट्री हो रही है यानी कि कुछ से से सीधा पनामा के अंदर एंटर कर, कर, कर रहे हैं स्टम्प वगैरह यहाँ पर लगती है और यहाँ पर हम आए यहाँ पर नॉर्मल था पहले जब हम यहाँ पर आए थे ना तो उस टाइम मेरे फोन में बैटरी नहीं थी ठीक है तो मैंने बाद में वीडियो बनाई है क्योंकि हम यहाँ पे दो तीन दिन रुके तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई तो जब हम हमें होटल में पहुँच रहा था होटल पे हमें कोई दिक्कत परेशानी हो गई थी उसमें हमें एंट्री नहीं मिली तो हमें कोई और बंदा लेने आया तब तक हमने एक डेढ़ घंटा वेट किया फ़ोन चार्ज नहीं था बैटरी की वजह से पावर बैंक भी मेरा चार्ज नहीं था इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई फिर हम यहाँ पर मार्केट में घूमे ठीक है फ़ोन वगैरह चार्ज करके होटल में पहुँच के यहाँ पर घूमने में कोई दिक्कत नहीं है एक साइड पनामा है और एक साइड कोस्टा रिका है बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे नो प्रॉब्लम आराम से घूमो फिरो खाओ पियो जो मर्ज़ी करो अपना पासपोर्ट अपनी जेब में रखो बस ठीक है क्योंकि आप एंटर कर चुके हो पनामा में और पनामा ने फौजियों ने आपको कंट्री आउट दे रखा है नो प्रॉब्लम कोस्टा रिका में भी इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बॉर्डर पड़ता है यहाँ पर कौन कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया है कोई दिक्कत बसानी नहीं है कि हल्ला हल्ला गुल्ला तो देखो मचाना नहीं होता उस चीज़ में तो कोई भी कुछ भी हो तो दिक्कत होएगी यहाँ पर राइस भी है चिकन भी है वगैरह वगैरह था जो हमारे बस का नहीं था खाने का रोटी नहीं बस हमें मिली यहाँ पे रोटी की बहुत समस्या है भाई ठीक है जो भी यहाँ पे आएगा ना तो अपना चिकन वगैरह खाता है तो जी सद के आए बढ़िया आए कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं होएगी उसे बाकी यह है कि फ्रूट वगैरह यहाँ पे बहुत है नारियल हो गया पाइन ऐप्पल हो गया बहुत से फ्रूट हैं ये अपना पनामा है यहाँ पे दूसरी साइड से मैं कोस्ट्रिका की साइड से आया था यह पनामा वाली साइड है ठीक है और मैं आगे आपको अपना होटल का दिखाऊँगा जैसे भी मेरा होटल जहाँ पे मेरा होटल था ना जहाँ पे हम रुके हुए थे कोस्टरिका वाले कोस्टरिका वाले रोड पे ही हम रुके हुए थे और दो तीन दिन हमें वहाँ पे लगे भाई ठीक है तो उस दौरान मैंने वीडियो बनाना सही नहीं समझा क्योंकि जो प्राइवेसी होती है ना वो प्राइवेसी रखनी ही चाहिए थोड़े बहुत तो ठीक है वहाँ पर हमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आई भाई हमारे डोंकरों ने बढ़िया मज़ा मज़े से खाना पीना खिलाया सब अच्छा हुआ वहाँ पर ठीक है एकदम प्रॉपर से यहाँ पे आप इजीली घूम सकते हो मार्केट घूम सकते हो खाना पीना खा सकते हो मार्केट भी सस्ती है छोटी छोटी मार्केट है बड़ा मजा आता है मार्केट देखने में ठीक है तो जैसा कि आप देख रहे हो जैसा कि आप देख रहे हो ना तो आप हम सीधा एंटर कर चुके हैं इस कोस्ट्रिका में और कोस्ट्रिका का ये देखो आप झंडा दिखाई दे रहा है आपको ठीक है तो सॉरी आपको पीछे की में आवाज जो आ रही होगी वो ज्यादा आ रही होगी हवा चल रही है और दिन का टाइम है मेरे पास मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा बहुत तो ये झेलना पड़ेगा कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको कम आवाज़ सुनाई दे बैकग्राउंड की और मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे और हम कोस्ट्रिका में एंटर कर चुके हैं दो मिनट में पनामा में दो मिनट भी क्या बोलने के हैं दो मिनट तो एक मिनट में पनामा में एंटर कर सकते हैं एक मिनट एक कोस्ट्रिका में एंटर कर चुके सकते हैं हम और ये है यहाँ का देखो सिटी का नाम है ये अपना जो भी है आप पढ़ सकते हो ठीक है और हम स्पेनिश में ना स्पेनिश में फैन फे, तैरे पता नहीं फैन तर क्या बोलते हैं ऐसे बॉर्डर को यहाँ पे पनामा और कोस्ट्रिका के बॉर्डर को फैन तैरे बोलते हैं और ये कोस्ट्रिका का रोड है वो सामने लास्ट में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ट्रक आ गया सामने तो मैं आगे दिखाऊँगा आपको यहाँ पे बस ये है कि साफ़ सफाई कम है थोड़ी बहुत और जो यहाँ पे सबसे खूबसूरत जगह हैं सबसे खूबसूरत लोग हैं कोस्टरिका के बताए जाते हैं ठीक है अच्छा स्वभाव है इनका यहाँ पे और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे देखो घूमे तो है नहीं थोड़ा बहुत घूमे हैं जो थोड़ा बहुत जो मैं नॉलेज लेता हूँ यहाँ पे वो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ ठीक है और इसके बाद हमें नकारा गोवा जाना था भाई ठीक है निकारा गोवा कि हमें अपना इमीग्रेशन भी क्लियर करनी है और थोड़ा दस एक मिनट का रास्ता भी है जंगल का जो मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो हम यहाँ दो तीन दिन रुकने के बाद दोपहर में हमारा अपना हमें उन्होंने बोल दिया था निकारा गोवा की इमिग्रेशन के लिए भी पैसे दे दिए थे डेढ़ सौ डेढ़ सौ वो लेफ्ट साइड में लास्ट में जो वो दिख रहा है ना वहाँ पर इस इस एरिए में ही हमारा वो था रेस्टोरेंट वगैरह था तो हमने मतलब हमें उन्होंने डॉलर वगैरह दे दिए थे ये रहा इधर इस साइड से देखिएगा लेफ्ट साइड में है डॉलर वगैरह हमें मिलेंगे यहाँ पे और नकारा गोवा के लिए नकारारा गोवा का सफ़र आठ सात घंटे का था यहाँ पे जो कि मैं आप लोगों के सामने वीडियो नहीं बना पाया उस चीज़ की क्योंकि रात मतलब ये अगर थके हुए थे फ़ोन का चक्कर ही था बस ज़्यादातर मेरा ठीक है और हम फाइनली अपना यहाँ पे सुबह सुबह हम नकार गोवा बॉर्डर पर पहुँच गए थे और सुबह हम यहाँ पर निकल चुके थे हम एक एक दो बजे पहुँचे थे और पाँच छः बजे हम यहाँ से निकलना शुरू कर दिया था बस में बैठ के बस में बैठ के हम थोड़ा सा एक था कच्चा रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है निकारा गोवा में हम एंटर कर चुके थे यहाँ पे तो यहाँ पे कोई इशू नहीं था किसी ने हमें रोका नहीं किसी ने हमें टोका नहीं दुनिया आ रही है दुनिया जा रही है यहाँ पे ठीक है इमिग्रेशन करवा के हम बाय रोड भी आ सकते थे उसमें एंट्री करते हैं उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत और फाइनली हमने यहाँ पे आने के बाद अपना पासपोर्ट दे दिया था इकट्ठे करके नेपाली थे बंगाली थे इंडियन थे ठीक है जो हो रही है काले गोरे थे इन सब ने यहाँ पे अपना पासपोर्ट जमा करवाया और ये जमा करवाने के बाद एक डेढ़ घंटा लगाते हैं ठीक है पासपोर्ट ज़्यादा थी क्वांटिटी ज़्यादा थी पासपोर्ट की फिर हमारे पासपोर्ट की फ़ीस जमा करवानी थी और फ़ीस वगैरह हमारी जमा हो चुकी थी उसके बाद से एकदम से ऑफिसरों ने पता नहीं क्या वो अपना गरारी बसाई क्या नहीं बसाई सारे के सारे ऑफिसर बाहर आए ऑफिसर बाहर आने के बाद इन लोगों का पता नहीं एकदम से एम्बुलेंस वो गाड़ी कर की तरह आई कोई और सारे के सारे बड़े छोटे ऑफिसर बाहर आए और बाहर आगे पता नहीं क्या करने लगे क्या नहीं करने लगे तो जैसा कि आपने देखा कि हम नकारारा में एंटर कर चुके थे इसके बाद आगे की वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो फाइनली हमारे थोड़े बहुत देर में पासपोर्ट मिल जाने थे यहाँ पे और हम अपना होन्ड्रेस की तरफ एंटर करना था हमें नकारारा क्रॉस करके ठीक है तब तक के लिए बने रहिएगा इस वीडियो पे धन्यवाद आप सभी का प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कमेंट करें धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत